नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2021 के लिए हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों मैंने 2020 की तैयारी के लिए लगभग 40 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आप जो है एक एक वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि 2021 की तैयारी के लिए सारे वीडियोस आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाउन फॉर्म ऑफ नो इज। नो का हमको जो है नाउन फॉर्म जो है यहाँ पर बताना है। तो नो का होता है नॉलेज, नो का हो जाएगा नॉलेज। इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट वर्ड, इस पे जो है हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो है हमको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिफॉर्म यहाँ पर आई की जगह पे यहाँ पर ई आ गया है, और यहाँ पर जो है तो यहाँ ओ की जगह ए आ गया। तो जो करेक्ट जो यहाँ पर फॉर्म है वो है हमारा UNIFORM, तो यूनिफॉर्म पहला वाला यहाँ पर जो है हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है करेक्ट स्पेलिंग को लेकर। अगला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे नंबर का, नेहा टोल्ड अ लाई सो सी वाज। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पनिश जो कि फर्स्ट फॉर्म है, पनिश्ड जो कि सेकेंड फॉर्म है, पनिशिंग जो कि आईएनजी फॉर्म है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा जो कि यहाँ पर आना चाहिए। तो यहां पर आप पहले सेंटेंस को देख लीजिए कि सेंटेंस की प्रकृति क्या है। नेहा टोल्ड यहां पर सेकंड फॉर्म आया हुआ है, और अलाय सो सी वाज यहां पर वाज आया हुआ है। तो निश्चित रूप से यहां पर सेकंड फॉर्म है, यहां पर वाज आया है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म जो है आएगा, पास्ट फॉर्म जो है यहां पर आएगा। तो पनिश का पनिश्ड यहां पर जो है पनिश्ड हो जाएगा, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा पनिश्ड। इस प्रकार का जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर आप अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, इज द साइलेंट लेटर इन वाच। में हमको साइलेंट लेटर बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एक ना एक साइलेंट लेटर को लेकर के पूछा जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं वाच में जो साइलेंट लेटर है वो है टी है, यहां पर जो है टी जो है साइलेंट लेटर, टी जो है साइलेंट लेटर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑनेस्ट का भी पूछा जाता है कि ऑनेस्ट में साइलेंट लेटर क्या है, तो यहाँ पर एच जो है साइलेंट लेटर हो जाएगा। या फिर हाफ का पूछा जाता है, हाफ में एल जो है साइलेंट लेटर होगा। या फिर काफ का पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी एल जो है साइलेंट लेटर होगा। इस प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन साइलेंट लेटर को लेकर के जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वी शुड कम स्कूल इन। फिलिंदा यहाँ ब्लैंक दिया है, अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर हमको बताना है ए एंड द जो हमारे आर्टिकल है उसमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले आप आर्टिकल को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो होता है कि सारे जो कंसोनेंट होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, कंसोनेंट जो व्यंजन होते हैं उसमें जो है कि सारे जो भी व्यंजन कंसोनेंट से स्टार्ट जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं उसमें ए का यूज किया जाता है। और जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं, जो भी वोवेल से स्वर से जो स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उस पर हम एन का यूज करते हैं। कंसोनेंट से जो भी स्टार्ट होगा उस पर एक से हम ए का यूज करते हैं, और जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर एप्रोप्रिएट दिया गया है, तो यहां पर जो है ए से स्टार्ट है, मतलब हमारा वोवेल से स्टार्ट, तो यहां पर एन का यूज हम कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं पर स्थिति ऐसी बनती है कि स्टार्ट तो आपका कंसोनेंट से होगा लेकिन उसका जो प्रोनाउंस है वो निकलेगा आपका वोवेल से, तो ऐसी स्थिति में एन का यूज वहां पर किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे यहां पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसकी स्टार्टिंग वोवेल से तो होती है
लेकिन उसका जो प्रोनाउंस है वो कंसोनेंट से निकलता है, तो वहां पर हम ऐसी स्थिति में ए का यूज वहां पर करते हैं। तो यहां पर जो कि हम एप्रोप्रिएट था ए से ही हमारा जो प्रोनाउंस हो रहा था यहां पर, तो यहां पर जो है बॉबल से स्टार्ट हो रहा था और बॉबल ही उसका प्रोनाउंस हो रहा था, इसलिए हम यहां पर एन का यूज यहां पर करेंगे। आगे देखते हैं द करेक्ट एंटोनिम्स वर्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का जो है एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत मतलब पूछा ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द करेक्ट एंटोनिम्स वर्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता बहुत ही फास्ट होता है, तो इसका जो एंटोनिम्स आएगा जो विरुद्धार्थी शब्द आएगा वो हो जाएगा स्लो। प्रॉम्प्ट का जो है स्लो हो जाएगा। आगे प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। टूथ का जो प्लूरल फॉर्म है वो हो जाएगा टीथ। टीथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नंबर से एक ना एक सिंगुलर प्लूरल में से भी क्वेश्चन जो है बनता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। आगे हम देख सकते हैं द ट्रेन अराइव्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, आवर लेट। यहां पर भी हमको जो है आर्टिकल का यूज करना है, यहां पर भी जो है हमको ए एन और द का यूज हमको बताना है। तो यहां पर आप मैंने यहां पर आपको पहले ही समझा के बताया है, यहां पर आपने पहले ही देखा है कहां पर ए और कहां पर एन का यूज हम करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं द ट्रेन अराइव्ड। अब यहां पर देखिए यहां पर कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंसोनेंट से स्टार्ट तो हो रहा है आवर, लेकिन उसका जो प्रोनाउंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है बॉबल से, आवर, आवर जो है। तो यहां ऐसी स्थिति में कि कंसोनेंट से स्टार्ट तो होगा लेकिन उसका प्रोनाउंस क्या हो रहा है, बॉबल हो रहा है, इसलिए यहां पर हम एन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा एन आवर, एन का यहां पर हो जाएगा यूज। इसी प्रकार से अगला भी जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, गीता इज अ होली बुक। गीता इज अ होली बुक, गीता इज अ होली बुक। तो यहां पर भी हमको आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल ए एन द का यूज करना है। तो यहां पर जो है गीता कोई भी जो धार्मिक बुक होती है उसके सामने हमेशा द का यूज होगा, हमेशा जो है द का यूज होगा। कोई भी जैसे अर्थ हो गया, यूनिक यूनिक थिंग्स होंगे, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, उसके सामने भी द का यूज होगा। और भी आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ए एन द में से जो आर्टिकल है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका हर साल बनता ही है, तो इसको अच्छे से आप पढ़िए आर्टिकल को। आगे देख, साथ ही जो द का यूज किया जाता है, जो नदियां होती हैं बड़ी नदियां, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। साथ ही जो है जो न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके सामने भी हम द का यूज करते हैं। जो महासागर होते हैं उसके सामने भी जो है हम द का यूज करते हैं। आगे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉबल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने बॉबल्स हैं, कितने स्वर होते हैं, तो ए, ए ई, आई ओ और यू जो है पांच जो है यहां पर बॉबल्स होते हैं, फाइव बॉबल्स होते हैं और 21 जो है कंसोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। आगे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन, चूज द ऑट वन। इसमें जो है आपको मून, सन, रॉकेट और अर्थ में जो है एक आपको अलग बताना है कि इसमें क्या कौन सा डिफरेंस डिफरेंट है। तो मून, सन और अर्थ यूनिक थिंग्स हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और रॉकेट जो है आर्टिफिशियल है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर रॉकेट जो है ऑड वन हो जाएगा, रॉकेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ही इज फिल इन द ब्लैंक वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पर हम देख सकते हैं ही इज फिल इन द ब्लैंक वीक, यहां पर आप जो सो दैट वाला यूज है वो यहां पर हो जाएगा, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो यहां पर जो है यहां पर हो जाएगा सो, सो दैट वाला यूज यहां पर हुआ है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यहां पर अगला देख सकते हैं, अगला जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द बिल्डिंग वॉज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फायर एंड हैड टू बिल्ड अगेन। यहां पर आप जो है इंजर्ड, डिस्पेयर्ड
और डैमेज्ड, इसमें जो है आपको बताना है कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डैमेज्ड आएगा, यहाँ पर सी नंबर का आंसर हो आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों आज के इंग्लिश के इस वीडियो में इतना ही। आप 2020 में मैंने जो भी वीडियोस बनाए हुए हैं उसको एक एक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि 2000 लगभग 40 वीडियो से ज़्यादा है 2020 के, तो सारे वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से 2021 एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की तैयारी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सारे वीडियोज़। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।